को अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार युवकों में एक विश्रामपुर का रहने वाला था, जबकि दो लोग प्रतापपुर के निवासी थे। घटना की जानकारी लगते ही सूरजपुर कलेक्टर स्वयं एम्बुलेंस भेजकर खुद ही मौके पर पहुंच गए और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। और पलारी थाना क्षेत्र में अवैध